दतिया चलने की करो तैयारी, आ रहे हैं मुगलधारी। माँ पिताम्बरा माई की नगरी दतिया में श्री हनुमंत कथा 4 अगस्त से 8 अगस्त तक रहेगी ये। और स्थान देख लीजिए, स्टेडियम ग्राउंड दतिया मध्य प्रदेश में। जो ये हनुमंत कथा करा रहे हैं मुख्य यजमान हैं नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, श्री श्री 1008 बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से। आप हमारी चेक और वीडियो दे रखे होगी, पूरा एड्रेस दे रखा हमने, पूरा पता दे रखा है, सब चीज़ दे रखे कलश यात्रा से लेकर तक। अब हम आपको नई जो अपडेट बताने चल रहे हैं, वो अपडेट के लिए आप सुनने के लिए पूरी वीडियो देखें। नमस्कार, मैं हूँ आपका छोटा भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। और देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जैसे लोग बना रहे हैं आमिर खान, सलमान खान या अमिताभ बच्चन को लेकर या किसी भी कलाकार को लेकर। मैं इस चैनल पर अपनी ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ, ताकि आप लोगों को सच्ची बात पता चले बागेश्वर धाम के बारे में। तो बागेश्वर धाम की जो रियल बात होगी वही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप चाहते हो हम बागेश्वर धाम के बारे में हर चर्चा आपको दे में, और आप चाहते हो हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने हम आपका सहयोग करें, हमारा आप सहयोग करें, तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ, अगर बागेश्वर धाम बालाजी को मानते हो, आप सन्यासी बाबा को मानते हो और हिंदू धर्म में आप विश्वास रखते हो अपने दीदी तो आओ पे, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा से एक कमेंट लिखें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, या जय बालाजी महाराज की, जो आपको लगे। और आप एक्स का निशान बना दे, देखना भगवान आपकी मनोकामना पूरा नहीं करेगा 6 महीने से पहले। आइए मैं बताता चलूँ जानकारी के बारे में, जो बागेश्वर धाम की जानकारी है। जी हाँ, आपको बहुत खुशी होगी बागेश्वर धाम के बारे में जानकारियाँ, और बहुत ही खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, और वीडियो लाइक करे बिना आप रह नहीं पाओगे। देखिए, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने संकल्प लिया है अपने जल लेकर। उन्होंने कहा है जितनी भी अनाथ लड़कियां हैं इस आश्रम की, वो हम लेते हैं गोद, और उनका खाने पीने से लेकर साध्य तलक का खर्चा हम करेंगे, कन्यादान से लेकर सब खर्चा और बस्तर वितरण करें, और कुछ पैसे का बंदोबस्त भी दिए और बंदोबस्त भी करा। देखिए, बागेश्वर धाम में निःशुल्क सेवा चलती है, और बिना पैसे की पर्ची बनती है, बिना पैसे का टोकन मिलता है वहाँ, और जो भी आपका खर्चा नहीं होता वहाँ लोग फेंक कर रहे हैं 25,000 की पर्ची, ये पर्ची वो पर्ची। बागेश्वर धाम में कोई पैसे नहीं लेते हैं, ये जो पैसे बागेश्वर धाम, आप सोच रहे हो कि पैसे कहाँ से आए, ये पैसे दरअसल आप लोग जैसे लोग दयालु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कन्यादान करने के लिए पैसे देते हैं, या सेवा में 10-20 रुपये चढ़ावा जो दे देते हैं, ना तो 1 रुपये उन्हें लिया जाता है। तो यही वही पैसा, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम कमा रहे हैं, ठीक है, वो पैसे के माध्यम से कन्यादान और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खुशी बात है, कन्यादान 121 या 111 लड़कियों का कन्यादान होगा महाशिवरात्रि पर 18 फरवरी को, 2023 को महाराज जी ने संकल्प लिया है, और अनाथ आश्रम की लड़कियों को। और मैं आपको बता दूं, आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में कोई हो बेसहारा, जिनके माता पिता न हो लड़की के, वो बागेश्वर धाम में महाराज जी के हमारे पास लिए कहाँ, और महाराज जी उनकी भी लड़कियों की शादी करेंगे, धन से लेकर सब दहेज देंगे, और लड़का भी अच्छा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, परिवार भी सही मिलेगा, बागेश्वर धाम ने ये ठाना है, और लड़कियों का अनाथों का ब्याह कराना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बागेश्वर धाम के लिए लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बने रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय बागेश्वर धाम की। ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।